राजस्थान के नागौर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शख्स साल में 300 दिन सोता है। इस शख्स को सोने के बाद उठाना मुश्किल हो जाता है। नींद में ही घर वाले उन्हें खाना खिलाते हैं। इतना ही नहीं, शख्स को आसपास के लोग कुंभकर्ण भी कहते हैं। दरअसल यह मामला नागौर जिले के भादवा गांव का है। यहां के रहने वाले 42 साल के पुरखाराम दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी के चलते एक बार सो जाने के बाद पुरखाराम कई दिनों तक नहीं उठ पाते। परिवार वालों को जगाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पुरखाराम के परिवार वालों का कहना है कि वे एक बार सोने के बाद 20 से 25 दिन तक नहीं उठते हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत 23 साल पहले हुई थी। शुरुआती दौर में पुखाराम 5 से 7 दिन के लिए सोते थे, लेकिन उन्हें उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई। धीरे धीरे पुखाराम के सोने का टाइम बढ़ता गया। अब तो पुखाराम कई बार 25 दिनों तक भी सोते रहते हैं। चिकित्सक इसे दुर्लभ बीमारी बताते हैं। पुखाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी का कहना है कि गांव में अपनी एक दुकान भी है, लेकिन वे ज्यादातर बंद ही रहती है। बूढ़ी माँ ने बताया कि अभी तो खेती बाड़ी से गुजारा हो रहा है, लेकिन एक पोते और दो पोतियों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर मैं परेशान हूँ। जबकि पुखाराम कहते हैं कि उन्हें दूसरी कोई और दिक्कत नहीं है, बस नींद ही नींद आती है। वो खुद जागना चाहते हैं, पर उनका शरीर ही साथ नहीं देता। 2015 से उनको यह बीमारी हुई है। करीब 18 घंटे वो सोते थे। धीरे धीरे इसका समय बढ़ता गया और अब तो वो 20 से 25 दिन तक लगातार सोते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी का नाम हाइपरसोनीमिया है। यह बीमारी भी कई प्रकार की होती है। पुखाराम अब एक्सिस हाइपरसोमनिया के शिकार हो गए हैं। इसके चलते उन्हें लगातार कई दिनों तक नींद आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है ऐसा नहीं है कि वो अब ठीक नहीं होंगे, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो ठीक हो सकते हैं।